हमें इसमें यह देखना होगा कि यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यह पॉलिनोमियल है तो कितने टर्म हैं और पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। ठीक है, पहला देखो। पहला में दो टर्म आए हैं 3x + 5, तो इसमें x के पहले जो नंबर आया है क्योंकि वो एक रियल नंबर ना है, और x पर जो पावर है वो 1 है तो वो इंटीजर है। ये एक कांस्टेंट आया है यानी ये एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पॉलिनोमियल के सारे कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। देखो, इसमें x पर पावर 1 आया है तो इसका डिग्री 1 होगा, और इसमें x आया ही नहीं है तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा डिग्री 1 है इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 बोला जाएगा। समझ में आया? इसमें देखो, सेकेंड वाला में हम देखते हैं 1, 2, 3, यानी कि कुल मिलाकर 3 टर्म है। पहला टर्म में x का जो कोफिशियंट यहाँ पर लिखा गया है वो रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 समझ सकते हैं, और यहाँ x है ही नहीं यानी x पर पावर 0 है। तो x पर जितना भी यहाँ पर पावर देख रहे हो वो सारा का सारा एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा ये वाला, इसका डिग्री हो जाएगा 1 ये वाला, और इसका डिग्री हो जाएगा 0। तो क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए पूरा पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 कहलाएगा। समझ में आया? इसके बाद तीसरा में देखो, यहाँ पर दो टर्म लिया गया है। पहली बात, x जो वेरिएबल है इसके आगे का ये जो नंबर देख रहे हो ये रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो सही है। इसके बाद x पर जो पावर हम देखते हैं तो यहाँ पर x पर पावर क्या इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया। तो अगर एक टर्म भी फ्रैक्शन आ गया है ना, तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि नियम के अनुसार पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो इसलिए ये फ्रैक्शन आ गया, यानी हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। समझ में आया? ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो, कुल मिलाकर के 3 टर्म यहाँ पे हैं। पहले x का जो वेरिएबल है इसका जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे है ये भी क्या है, रियल नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, ये भी रियल नंबर, और ये कांस्टेंट है ये भी रियल नंबर, तो ये सही है। अब x पर पावर देखो, क्योंकि x पर पावर में नियम क्या था कि पावर जब भी होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर पावर क्या दिया गया है, निगेटिव इंटीजर है ना, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है ही, लेकिन क्योंकि ये केवल एक टर्म में निगेटिव इंटीजर आ गया है ना, इसीलिए यह पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को फॉलो नहीं करता है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल में देखो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो जो वेरिएबल यहाँ पर लिया गया है उस पर जो पावर दिया गया है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें सब सही है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो x का कोएफिशिएंट है ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ गया है नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है। ये सारे हैं, लेकिन एक टर्म में डिफिनीशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? यानी पॉलिनोमियल का मतलब साफ होगा कि कोई भी टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें यह देखना है कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसके आगे का जो नंबर होगा, जो कोएफिशिएंट कहलाता है, वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसमें नन रियल नंबर आ गया था। इसके बाद x पर जो पावर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, ये निगेटिव इंटीजर है। यही कारण है कि इन दोनों के वजह से ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं हुआ। बात रहा डिग्री का, तो क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री इस टर्म का है 1,
तो पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री वन बोलेंगे, इसमें इसका डिग्री दो है, इसका डिग्री एक है, इसका डिग्री जीरो है, तो हाईएस्ट डिग्री ये ना हुआ, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हुआ टू। और ये सब तो पॉलिनोमियल है ही नहीं।